हे गाइस, वेलकम टू हंटर कार्स। तो आज हम आपके लिए हैं टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज। ये है ऑल न्यू BS6 टाटा अल्ट्रोज। ये है इसकी की, लॉक अनलॉक का बटन, और ये बूट ओपन करने का बटन। ऐसे दिखती है इसकी कुछ की, देख सकते हैं टाटा की ब्रांडिंग। ब्लैक पियानो में है इसकी की, और ये है ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोज। तो पहले सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा अल्ट्रोज में हमको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड CS टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें हमको 5 कलर्स मिलते हैं, गोल्ड, रेड, ग्रे, सिल्वर एंड वाइट। ये आप वाइट कलर देख रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम हैचबैक है ये टाटा की। तो ये है इसका फ्रंट लुक। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट के बारे में। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स। तो इसमें हमको मिलता है हैलोजन प्रोजेक्टर और एक हैलोजन बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ। ये है इसके DRL बम्पर्स में फॉग लैम्प के साथ। और ये है इसकी ग्रिल, ब्लैक पियानो में ग्रिल मिलती है टाटा अल्ट्रोज में, और बीच में टाटा का लोगो। तो ब्लैक पियानो मिलता है हमको शार्प लुक के साथ, जो यहाँ से लेके पूरे फ्रंट में आता है टाटा अल्ट्रोज में। एग्रेसिव लुक बोल सकते हैं, प्रीमियम लुक बोल सकते हैं। और नीचे आपको क्रोम मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा क्रोम मिल जाएगा। और ये है इसका बम्पर, फ्रंट बम्पर इस तरह से दिखता है कुछ टाटा अल्ट्रोज का। तो ये है इसका फ्रंट। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में टाटा अल्ट्रोज की। टाटा अल्ट्रोज में हमको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, और रियर में हमको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। बात करते हैं टायर साइज के बारे में। गुडियर का टायर आता है हमको टाटा अल्ट्रोज में, 185/60R 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं हमको टाटा अल्ट्रोज में। सेंटर में देख सकते हैं टाटा का लोगो, और 165 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है हमको टाटा अल्ट्रोज में। और 37 की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है हमको टाटा अल्ट्रोज में। अब चलते हैं कार के रियर लुक पे। पीछे से जैसे इस तरह दिखती है टाटा अल्ट्रोज, सेंटर में टाटा का लोगो अल्ट्रोज, और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं हमको टाटा अल्ट्रोज में। और ये है इसका बम्पर, ये दो रिफ्लेक्टर्स हैं साइड में, और सेंटर में ये लाइट है। ये है इसकी एग्जॉस्ट टिप। तो पीछे से पहले बात कर लेते हैं टेल लैंप्स के बारे में। ब्लैक पियानो टेल लैंप्स मिलती हैं, जो बहुत शार्प है, अग्रेसिव है, बहुत प्रीमियम लगती है। ये पीछे से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको पूरा ब्लैक शेड मिलता है। LED टेल लैंप्स हैं अल्ट्रोज में, आपको लाइट का ओवरव्यू भी दिया जाएगा। और ये पूरा इस तरह से फुल ब्लैक है। पीछे हमको वाइपर मिल जाते हैं, डिफॉगर्स मिल जाते हैं, और वॉशर मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ब्लैक रूफ आती है, डुअल टोन कलर में आती है। करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में बात। इसकी की देना,
तो ये है टाटा अल्ट्रोज का बूट स्पेस, 345 कैपेसिटी के साथ आता है लीटर की। काफ़ी डीप है इसका ये बूट स्पेस, देख सकते हैं आप। और नीचे स्पेयर व्हील 14 इंच का टायर आ जाता है हमको स्पेयर व्हील में टाटा अल्ट्रोज में। ब्रिजस्टोन का टायर आप देख सकते हैं। और ये आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं 3 kg का, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक लैम्प मिल जाएगा बूट में। तो ये इसका बूट, और ये इसकी पार्सल ट्रे, आप रिमूव भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा लगेज के लिए। और ये इसका ग्रैब हैंडल, इसको बंद करने के लिए। तो ये था इसका बूट स्पेस। हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प भी मिलता है टाटा अल्ट्रोज में। और आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक पियानो का वर्क है, पूरी कार में आपको फ्रंट में मिलेगा, बैक में भी मिलेगा, सेंटर में भी मिलेगा। शार्क फिन एंटीना नहीं आता टाटा अल्ट्रोज में, इसका एंटीना आपको फ्रंट में मिलेगा कार के। अब करते हैं साइड लुक के बारे में बात, इसकी प्रोफाइल के बारे में। यहाँ भी आपको पूरा ब्लैक ग्लॉसी मिल जाएगा, जो कार के एंड से लेके फ्रंट तक मिलेगा। ORVM के आपको ब्लैक पियानो फिश मिलेंगे, क्रोम के साथ मिलेंगे। बॉडी कलर हैंडल्स आएंगे, डोर हैंडल्स टाटा अल्ट्रोज में। ये इसके टर्न इंडिकेटर्स, तो इस साइड भी आप देख सकते हैं ब्लैक पियानो एंड से लेके फ्रंट तक। एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिक ORVM आते हैं हमको टाटा अल्ट्रोज में। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं टाटा अल्ट्रोज का इंटीरियर। 90 डिग्री की शेप में खुलते हैं टाटा अल्ट्रोज के डोर्स, आप देख सकते हैं फ्रंट डोर एंड सेकंड डोर बहुत वाइड खुलते हैं, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट डोर के बारे में। तो ये है टाटा अल्ट्रोज का फ्रंट डोर। ये है स्पीकर की प्लेसमेंट, 1 लीटर बॉटल की स्पेस मिल जाएगी आपको टाटा अल्ट्रोज में। यहाँ आप अपने अम्ब्रेला रख सकते हैं इस जगह। और ये इसका ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच थोड़ा टेक्सचर में, और ये स्क्रैच टेक्सचर में मिल जाता है, डुअल टोन में आ जाता है। और ये ट्विटर, और ये मैट कलर में डोर मिल जाता है हैंडल। और ये हैं कंट्रोल्स इसके ORVM के, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और ये इसके हैं पावर विंडो के बटन्स, ये ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन दोनों है, और ये नॉर्मल है। और बात करते हैं इसके सीट्स के बारे में। मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है हमको टाटा अल्ट्रोज में, इलेक्ट्रिक नहीं आता। और फैब्रिक मिलती है हमको टेक्सचर के साथ, लैल में पहुँच भी नहीं आता। तो चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर। तो अब हम आ गए हैं कार के अंदर। तो ये है टाटा अल्ट्रोज का स्टीयरिंग। बात करते हैं पहले स्टीयरिंग के। तो टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है हमको टाटा अल्ट्रोज में, टेलीस्कोप नहीं आता। और बीच में टाटा का लोगो। स्टीयरिंग देख सकते हैं आप, लेदर रैप स्टीयरिंग है और सिल्वर फिनिश इसका। ये जो पार्ट है स्टीयरिंग का, ये सिल्वर फिनिश में आता है। और अब बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में। तो लेफ्ट साइड में हमको मिलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड का फीचर्स, और वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स, और ट्रैक आगे पीछे करने का बटन। और राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है हमको, और ये इसके MID के कंट्रोल्स हैं। और राइट साइड में हमको मिलते हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट पे मिलते हैं हमको वाइपर के, और राइट पे मिलते हैं हमको लाइट्स के कंट्रोल। ये इसके AC वेंट्स सिल्वर फिनिश के साथ आता है। ये वाला जो टेक्सचर है,
सॉफ्ट टेक्सचर है, बहुत प्लेन टेक्सचर है, और जो ये इसका डैशबोर्ड का है, इसका मटेरियल स्क्रैचलेस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है टाटा की। टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। और इस तरह से दिखता है इसका कुछ इंटीरियर, डुअल टोन में आता है। और पहले करते हैं कार को स्टार्ट और देखते हैं। ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, तो ये है इसका। आपको पूरा कंसोल दिखा देते हैं पहले टाटा अल्ट्रोज के स्टीयरिंग का। तो ये इसकी सेंटर एसी वेंट्स और ये एक एसी वेंट। और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। बात ये सेम वही टेक्सचर जो एसी वेंट्स के साइड के कॉर्नर्स में है, बहुत ही सॉफ्ट प्लेन सिल्वर कलर में आता है। और जो ये वाला टेक्सचर है ये अलग कलर है, और जो ये वाला टेक्सचर है ये अलग है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसका इंटीरियर टाटा अल्ट्रोज का। और एम्बिएंट लाइट आती है हमको टाटा अल्ट्रोज में, और जो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर की आती है, तो अब आपको नहीं दिख रही होगी, उसका भी आपको एक और भी दिखाएंगे वीडियो में। सेंटर से बात करते हैं तो हैजर्ड बटन मिल जाता है हमको अल्ट्रोज में। और ये है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसकी MID के कंट्रोल्स हैं, मीडिया के कंट्रोल्स हैं। और ये वॉल्यूम का हो गया, और ये आपके मीडिया सेटअप के लिए, ट्यूनिंग के लिए, सब कुछ के लिए है। और अब बात करते ये है, और इसके AC के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये है इसका टेम्परेचर, ये ऑटो AC के लिए, ये AC ऑफ ऑन के लिए, और ये अपने अकॉर्डिंग मतलब फ्लो को सेट करने के लिए, ये फ्लो स्पीड के लिए आप देख सकते हैं। ये डिफोगर है फ्रंट और रियर दोनों के लिए। और यहाँ पे हमको मिल जाती है थोड़ी स्पेस, और ये शायद वायरलेस चार्जिंग है, नहीं पता इसके शायद है, नहीं ये वायरलेस चार्जिंग नहीं है, ये वायरलेस चार्जिंग नहीं आती टाटा अल्ट्रोज में। और ये इसका USB 12 वोल्ट का आपको चार्जर मिल जाएगा टाटा अल्ट्रोज में। और ये भी पूरा सेम सिल्वर जो आउटलाइन है पूरी इसके ट्रांसमिशन में। और ये इसका 5-speed ऑटो ट्रांसमिशन मैनुअल, सॉरी ऑटो नहीं है मैनुअल है। और जो ये आप बटन देख रहे हैं ये इसके मोड्स हैं, जैसे इको मोड और सिटी मोड मिलती है आपको टाटा अल्ट्रोज में। अब रिवर्स कैमरा आपको एक बार दिखा देते हैं टाटा अल्ट्रोज का, इस तरह से दिखता है, जिसकी हम बोल सकते हैं कि ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है और व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमको मिल जाते हैं दो कप होल्डर्स, और ये है इसका आर्मरेस्ट, बहुत ही डिसेंट मिलता है, स्पेस ज़्यादा नहीं मिलती, और ये मूवेबल भी है। मैं इसको खोल के दिखाते हैं, ये इसकी हैंड ब्रेक। तो बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपको पूरा डिजिटल मिलेगा टैकोमीटर, और जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग मिलेगा। तो अब करते हैं इसके बारे में बात और देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है इसके अंदर। फर्स्ट ये तो हो गया इसका ट्रिप का बटन, जो हमको बता रही है इसकी माइलेज एवरेज के बारे में। और इसके मोड्स के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये दो मोड मिलते हैं आपको टाटा अल्ट्रोज में। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड,
और ये क्रूज का बटन है, तो ये थी इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और रियर व्यू पार्किंग जो आपको मिरर मिलता है वो मैनुअल है और ऑटोमेटिक नहीं मिलता। बात करते हैं इसकी वैनिटी मिरर्स के बारे में बात, तो यहाँ पे आपको छोटी सी वैनिटी मिल जाती है को पैसेंजर साइड में, और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी नहीं मिलती। और बीच में लैम्प मिल जाता है एक, थोड़ी बहुत स्पेस है, और LED मिल जाती है आपको यहाँ पे। बात करते हैं इसके MID के बारे में बात, मीडिया। तो चलते हैं पहले होम पे। इसमें हमको मिलता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और टाटा अल्ट्रोज में हमको कनेक्ट टू गूगल वाला टेक्नोलॉजी भी मिलती है इसकी मीडिया में। और बात करते हैं पहले इसके सेटअप में चले जाएंगे, तो पेयर डिवाइसेस, ये हमको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा है। अगर आप यहाँ से अपने AC कंट्रोल्स करते हैं या कुछ करते हैं वो भी आपको अपने MID में ही शो होगा। व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियो कर सकते हैं। रेडियो आप फोन सेटअप में जाते हैं तो SMS अलर्ट नोटिफिकेशन, आपका जो फ़ोन है, जो सब कुछ है जो आपको यहाँ पे शो करेगा। और ये बताता है इस पे, ये आपकी क्रूज रेजिंग और माइलेज वगैरह सब आपको बताएगा। और सेटिंग्स में जाते हैं तो ये आपके सेटिंग्स, थीम्स अपने अकॉर्डिंग, थीम, लाइट, साउंड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अबाउट में 7 इंचेस का ये डिस्प्ले है टाटा अल्ट्रोज में। तो देख सकते हैं ऑडियो सेटिंग, एम्बियंट लाइन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉन्टैक्ट्स, आईपॉड आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं। और ये थीम्स, ये वॉइस कमांड का फीचर्स है। तो ये थी इसकी MID। हम चलते हैं होम पे। तो कार के पीछे चलते हैं, तो एक बार हम साइड डोर के बारे में बात कर लेते हैं। और ग्लोव बॉक्स, ये ग्लोव बॉक्स का बटन है टाटा अल्ट्रोज का। जो ग्लोव बॉक्स है वो फर्स्ट इन सेगमेंट है, बहुत ही डीप मिलता है, आप देख सकते हैं। बीच में लैंप भी मिलता है, ओल्ड ग्लोव बॉक्स है। और जो ये ट्रे है ये रिमूव भी हो जाती है, आप अपनी कुछ मैगजीन्स रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये है इसका साइड डोर। और ये इसके ट्विटर्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी है और एक इनके पिलर्स पे भी मिल जाएगा दोनों साइड। अब चलते हैं कार के पीछे और देखते हैं इसका कंफर्ट्स कार का रियर से। अब खोलते हैं इसका रियर डोर, तो इस साइड से खुलता है इसका रियर डोर। डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भी 90 डिग्री में खुलता है। देखिए पूरा वाइड खुलता है, जैसे आपको कार में मतलब चढ़ना उतरना आपको बहुत इजी रहेगा। तो करते हैं इसके डोर के बारे में बात। डुअल टोन में ही आएगा इसका रियर डोर भी, मैट कलर में आपको हैंडल्स आ जाएंगे सिल्वर में, ग्रे कलर में। ये इसके ट्विटर्स और इसके स्पीकर, 1 लीटर बॉटल की स्पेस मिल जाएगी। और ये पावर विंडो के बटन, ये है इसका रियर प्रोफाइल। बैठ के देखते हैं टाटा अल्ट्रोज में और देखते हैं इसका लेगरूम, हेडरूम क्या हमें प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं लेगरूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो अंदर थाई स्पोर्ट है वो भी प्रॉपर है, और इसका जो लेग रूम हेडरूम है वो भी बहुत सही है। तो पीछे से इस तरह से दिखता है टाटा अल्ट्रोज का इंटीरियर, ये लो इसका एक लुक।
और रियर में बात करते हैं तो हमें मिलते हैं पीछे एसी वेंट्स और 12 वॉट का चार्जर। ये आप अपने फ्लो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। दो एसी वेंट्स मिलते हैं और इस तरह से दिखता है इसका ये वाला डोर। एडजस्टेबल मिल जाते हैं हेडरेस्ट टाटा अल्ट्रोज में। यह है इसका आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स नहीं आते टाटा अल्ट्रोज में। और यह है इसका पीछे से एक लुक। यहाँ से ये ट्रे रिमूव कर सकते हैं आप अपनी, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी लगेज कैरी कर सकते हैं। दोनों साइड ही है और सीट्स में पॉकेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे टाटा अल्ट्रोज में। और जो ये इसका ये फ्लोर है पीछे को बहुत फ्लैट है, जिससे हम 3 पैसेंजर्स भी आराम से बैठ सकते हैं। हम करते हैं इसके इंजन के बारे में बात। खोलते हैं इसका बोनेट। ये इसके पेडल्स, डेड पेडल भी मिलता है हमको टाटा अल्ट्रोज में। यहाँ से खुलता है इसका बोनेट। तो ये ऑल न्यू VS6 1.5 डीजल इंजन जो रेवेट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी हॉर्स पावर 90 की है और 280 का 200 का इसका टॉर्क है, मैक्स टॉर्क है। और ये आप देख सकते हैं पैडिंग कार की इंजन नॉइज को रोकने के लिए। तो ये थी ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोज VS6। टाटा की प्रीमियम हैचबैक है अल्ट्रोज। तो आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में बताएं आपको टाटा अल्ट्रोज का कौन सा फीचर अच्छा लगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।